दोस्तों, कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक कभी ये नहीं चाहता कि कोई उनका कस्टमर उनसे दूर हो जाए, कि आप अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कराएं। ऐसा कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं चाहती है, लेकिन हमको अपने क्रेडिट कार्ड को बंद कराना पड़ता है क्योंकि हमें किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड में कोई बेनिफिट मिल नहीं रहे होते हैं ज्यादा, और हमको वहां पर सालाना जो है एक चार्ज लग जाता है जिसको हम एनुअल फी कहते हैं। या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपना क्रेडिट कार्ड बंद कराने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्रेडिट कार्ड कंपनी नहीं चाहती है कि उनका कोई भी कस्टमर उनसे दूर हो, तो ऐसे में आपकी रिक्वेस्ट डालने के बाद में भी वो आपके क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करते हैं और उसको चलाते रहते हैं, क्योंकि उनका जो फायदा होता है वो कस्टमर के मौजूद होने से ही होता है। अगर वो आपके क्रेडिट कार्ड अकाउंट को बंद नहीं करेंगे तो आप पे एनुअल फी भी चार्ज कर सकते हैं, जो कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें ना करें वो आपको लगनी ही होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अगर कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके रिक्वेस्ट डालने के बाद में 7 दिन के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं करती है, तो ऐसे में आप उनसे उल्टा पैसा ले सकते हैं। अभी हाल ही में RBI का एक रूल आया है, क्रेडिट कार्ड कंपनी को कस्टमर की रिक्वेस्ट मिलने के 7 दिन के अंदर उसके क्रेडिट कार्ड अकाउंट को क्लोज करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनको हर रोज के हिसाब से 7 दिन के बाद 500 रुपए के हिसाब से कस्टमर को देने पड़ेंगे। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड कंपनी ने अगर आपके रिक्वेस्ट डालने के बाद में 7 दिन के बाद में 1 महीने तक और आपके क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं किया, तो आपको यहाँ पे 15,000 रुपए क्रेडिट कार्ड कंपनी को देने पड़ेंगे। तो ऐसे में हालांकि अब ऐसी नौबत नहीं आई क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके क्रेडिट कार्ड को बंद नहीं कर रही है, लेकिन क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसा काफी समय से करते आ रहे हैं और इस बार भी कोई उनसे चूक होती है और आपके क्रेडिट कार्ड को वो बंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप जाके उनके पास कंप्लेन कर सकते हैं कि मैंने जो है अपनी रिक्वेस्ट है इस डेट को डाली थी, 7 दिन ओवर हो चुके हैं, उसके बाद भी मेरा क्रेडिट कार्ड क्लोज नहीं हुआ है, तो आप उनसे अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं। अगर बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसा करने से मना करती है तो आप RBI की वेबसाइट पर जाकर भी उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड अकाउंट तो बंद हो ही जाएगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पैसे भी मिलेंगे 500 रुपए हर रोज के हिसाब से। क्योंकि पहले होता था कि क्रेडिट कार्ड कंपनी अपनी मनमानी करती थी और कस्टमर इसके चक्कर में फंस के अपने बहुत सारे पैसे खर्च कर देता था और बर्बाद होने की कगार पे आ जाता था, तो ऐसे में RBI कस्टमर्स के प्रोटेक्शन के लिए नए नए रूल्स लेके आ रही है जिसमें कस्टमर को बचाया जा सके। तो यही जानकारी थी आज के इस वीडियो में। ऐसी और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।